भगवान की सब जगह पूजा हो रही है और मैं भी रुड़की वासियों द्वारा जो पूजा का आयोजन किया गया है सचिन जी के सहयोगियों द्वारा उसमें सम्मिलित होने और भगवान गणपति बप्पा मौर्य को प्रणाम करने के लिए आया हूँ और सब लोगों के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखें, सबके लिए शुभ हो आगे का काल जो है और गणपति बापा जो है सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए। गणपति बाबा क्या उत्तराखंड पर भी कृपा करें जो भर्ती के मामले चल रहे हैं जी, सब 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 ये जितनी जिन लोगों ने गलत किया है बाबा उनको दंडित करें और जो लोग न्याय मांग रहे हैं, जो बच्चे प्रतीक्षारत हैं उनको काम मिले, उनकी नौकरियां लगें, वो आगे बढ़े। जिला पंचायत को लेकर क्या तैयारी है, कितनी घोषित की गई है, क्या करने लगे? तो हरिद्वार के लोग इस समय भाजपा को दंडित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से परशीमन में और आरक्षण में गड़बड़ की है, अपने दलील स्वार्थों के लिए लोगों चीज़ों को उलझाया है, उससे हरिद्वार और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत नाराज हैं, भाजपा को दंड देना चाहते हैं और कांग्रेस की जीत होगी, शानदार जीत। यदि किसी ने भी जो गलत किया है, जो नियम विरुद्ध है, जो कानून विरुद्ध है, जो विधि विधान के विरुद्ध है, जो प्रक्रिया के विरुद्ध है, जिसने भी इस तरीके का काम किया है, उन सब को भगवान भी दंडित करेंगे, उनकी आत्मा भी दंडित। 2016 में आपकी सरकार थी कुंजवाल जी के टाइम पे, भर्ती घोटाले के मामले सामने आए। हाँ, कुंजवाल जी के समय में तो एक दो मामलों की घोटाला नहीं कह सकते क्योंकि उनके आप ये कह सकते हैं कि विवेक का गलत इस्तेमाल शायद हुआ है, मगर माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनके निर्णय को सही ठहराया है, कानून सम्मत ठहराया है, तो हम और आप तो कानून से सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जानकार नहीं। उन्होंने कहा सब नियुक्तियाँ जो है विधि विधान से हुई हैं, सब नियम सब। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, रुड़की के अंदर अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस यहाँ मजबूत है क्योंकि दो गुटों में बढ़ चुकी है रुड़की में कांग्रेस, क्योंकि जो आपके प्रत्याशी यशपाल राणा वो किसी कांग्रेस कार्यक्रम में नहीं नजर आते हैं, सचिन गुप्ता जी अलग चल रहे हैं, अपने कलीम खान जी अलग चल रहे हैं, वो कुछ लोग चल तो रहे ना, कुछ लोग चल तो रहे, चलने की बात कांग्रेस करती है वो नजर नहीं आ रही। अरे ठीक है, जिस समय चुनाव आएगा उस समय एक साथ चलेंगे, अच्छा बाकी समय जो है अपना अपना काम करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। उसमें हारिज क्या, देखिए गणपति जो है एक सौहार्द प्रेम स्नेह के देवता है, वो सबको आशीर्वाद देते हैं, तो हमको भी स्नेह सौहार्द समाज में बनाए रखना चाहिए। जब जहाँ सौहार्द होता है, जहाँ स्नेह होता है, वो घर भी आगे बढ़ता है, वो इलाका भी आगे बढ़ता है, वो राज्य भी आगे बढ़ता है, वो देश भी आगे बढ़ता है। अच्छा, रुड़की नगर अध्यक्ष को लेकर कुछ चर्चा जा रही है, हटाने को लेकर हटाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? आप तो महाराज नारद मुनि हैं, आप जवाब तो बोलो गणपति महाराज की। एक बार आप जोरदार ताली बजाएं। सुन